इधर देखो सर, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है क्योंकि जब शुरू शुरू में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अलग ही माहौल से फौज वाले माहौल में हम आए हैं, उसमें डलने में थोड़ा टाइम लग गया। 44 वीक की कठिन ट्रेनिंग होने के बाद ये आज ये मुकाम आया है 44 वीक बाद कि हम पास आउट होने के लिए तैयार हैं। सर, कश्मीर में ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ के वेदर ने भी हमारी ट्रेनिंग में बहुत साथ दी। सर, यहाँ पे ट्रेनिंग बॉर्डर के हिसाब से वेपन टैक्टिक्स और फील्ड क्राफ्ट, कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट, बाकी MR में ब्रीडिंग वगैरह सब चीज़ की ट्रेनिंग हमें दी गई है कि अगर कहीं हम जंगल में जाते हैं या बॉर्डर पे जाते हैं किसी भी जगह हम मतलब गुम ना हो, हर चीज़ की ट्रेनिंग हमें यहाँ पर प्रॉपर दी गई है। बहुत ही गर्व की बात हमारे लिए, एक साल की कड़ी मेहनत के बाद आज हम पास आउट हो रहे हैं और हम अपनी यूनिट में जाएंगे, अच्छे से अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से नौकरी करेंगे और जो हमें यहाँ पे सिखलाई दी गई है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी सेवाएं देंगे देश के लिए। कश्मीर में ट्रेनिंग ली हमने, बहुत मतलब सारे मौसम यहाँ के देख लिए हैं और अलग अलग मौसम में अलग अलग कड़ी मेहनत से हमने ट्रेनिंग किया है। हमारे उस्तादों की भी उतना ही हाथ है हमें ट्रेनिंग दिलाने में। आरक्षी पास आउट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही उत्कृष्ट परेड थी, जो कि स्पष्ट दिखाता है कि प्रशिक्षण का स्तर बहुत ही अच्छा रहा है। सभी युवा चेहरे मुस्कुराते हुए, जोश से भरे हुए, उनकी चटक परेड
सब ये दिखाती है कि ये सभी आज से इस बल के सदस्य होते हुए देश की सुरक्षा और सेवा में अग्रणी रहेंगे। मैं इस अवसर पर यहाँ के आईजी श्री राजा बाबू सिंह और उनके स्टाफ, प्रशिक्षण केंद्र के सभी अधिकारी, सभी प्रशिक्षकों और सपोर्टिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिनके द्वारा एक उत्कृष्ट आरक्षी को अच्छा प्रशिक्षण देकर उसको ढाला है। और आने वाले समय में मुझे पूरी विश्वास है कि ये सब इस बल का ही नहीं बल्कि देश के गौरव को बढ़ाएंगे।